विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से दिया कुमारी ने नॉमिनेशन भर दिया है, हमारे साथ हैं यहाँ पर। लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि दिया कुमारी जी को विद्याधर नगर सीट से क्यों उतारा गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से पूछिए आप, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार पहली बार मुझे जयपुर की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। जयपुर की मैं बेटी हूँ और बहुत अच्छा लगता है जो अपनों से अपनों के बीच आई हूँ मैं, और बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे राष्ट्र नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का कि मुझे ये इस बार अवसर मिला। ये बीजेपी की सबसे सेफ सीट है इसलिए कह रहे हैं, ऐसा कहा? बीजेपी की सारी सेफ सीट्स हैं। ये बीजेपी की सिर्फ ये नहीं, हर सीट आज की तारीख में सेफ है। आपके खिलाफ अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है या तलाश हो रही है, ये आप उनसे पूछिए। लेकिन बिल्कुल वो पता नहीं किसको ढूंढ के लेके आ रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ कि सामने कोई आए। क्या उम्मीद लग रहा है कि आप घूम रही हैं इतने दिनों से, क्या रिस्पॉन्स है जनता में और किस तरह की बातें वो आपसे कह रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं जनता की? देखिए, जनता में बहुत उत्साह है, जोश है, और हमारे कार्यकर्ताओं में भी बहुत जोश है। मैं जहां भी जा रही हूं सब इस कांग्रेस सरकार से बुरी तरह से परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। जो इन्होंने घोषणाएं की, वादे किए, वो उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ। अगर हम बिजली की बिल की बात करें तो लोग मुझके बिल्स दिखा रहे हैं कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ के आए हैं, तो लोग इन पे इतना ज़्यादा गुस्सा है। एक तरफ मोदी सरकार जिसने राष्ट्र में पूरे हमारे भारत में इतना अच्छा काम किया है, तो सब चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की, ताकि अच्छे काम हो, एक साफ सुथरी सरकार बने, महिलाओं को सुरक्षा दे, करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो, विकास पे फोकस्ड रहे, ये सब चाहते हैं। कांग्रेस सरकार गारंटियों पर चुनाव लड़ रही है, आप देखिए कितनी गारंटियों की घोषणा हो चुकी है और कह रहे हैं कि हमारी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, खासकर 500 रुपये में सिलेंडर वाली ऐसी योजनाएं बता रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा दे दीजिए, उसके बाद सब चीजें दीजिएगा। महिलाएं इतनी आपसे नाराज हैं, गुस्सा हैं। अभी आप देखिए बलात्कार सबसे ज्यादा, आज रेप कैपिटल राजस्थान बन गया है, ये क्या कोई खुशी की बात है? सबसे पहले उनको उस पर काम करना चाहिए था, ये घोषणाएं और वादे। और एक बात बताइए, 4.5 साल से ये क्या कर रहे थे? सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे थे, अब ये 6 महीने में नींद से जागे हैं और इतनी सारी घोषणाएं कर दी, वादे कर दिए, गारंटीज दे दी। शुरू में दे देते ताकि ये चीजें लोगों को दिखाई तो देती, अभी इनमें से कुछ भी धरातल पे नहीं उतरा। कितना मार्जिन लग रहा है, कितने से जीत होगी आप? दिया कुमारी, आप तो नहीं बोली, समर्थक बोल रहे हैं आप, दिया कुमारी क्या बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे? पार्टी जहां मुझे भेजेगी बिल्कुल मैं जाऊंगी, पहले भी गई हूं, और यहां पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े। आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि सब लोग जरूर जरूर वोट करें, अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि कई बार परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम रहता है, लोग उसको छुट्टी की तरह मनाने लगते हैं। वो छुट्टी नहीं है, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसमें जाएं और अपना वोट जरूर कास्ट करें। ये जब से आपको टिकट मिला है लोग एक मुख्यमंत्री के रूप में समर्थक कहने लगे हैं, हालांकि आप इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इनकार ही करती हूँ, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, पार्टी ने जो जिम्मेदारी पहले दी उस पर मैंने फोकस किया, अभी दी उस पर फोकस कर रही हूँ। ये सब बातें होती हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मीडिया में अच्छा लगता है लोगों को ऐसी बातें करना, पर ऐसा कुछ है नहीं, मैं अपने काम पे ही फोकस्ड हूँ। आखिरी सवाल, एक जो सवाल आप सुन सुन के परेशान हो गई हैं, वसुंधरा राजे महारानी वर्सेस राजकुमारी, क्या मुख्यमंत्री का पद मिलने जा रहा है, क्या वसुंधरा राजे से बातचीत हुई? ऐसी कोई बात नहीं है, ये अगेन ये मीडिया में, मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगता है ऐसी बातें करना, थोड़ा सा इनको वो लगता है कि चलो किसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब रूमर्स हैं। दिया कुमारी जो बता रही है कि ये सारे रूमर्स है और मैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हूँ, मन के समर्थक जो हैं वो लगातार इन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में यहाँ बता रहे हैं और वसुंधरा राजे से इनकी तुलना हो रही है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।